आप खुद को काना मानने लगे हैं। ओए ढोलू बोलू इधर आओ। बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? अब जरा वो बांसुरी मुँह से लगा कर तो खड़े रहिए। अब बोलो लग रहा हूँ ना काना? काना का तो पता नहीं, कार्टून जरूर लग रहे हो। तुम दोनों को तो मैं कहा मैं कान्हा बनना चाहता हूँ। ये सब नौटंकी ऐसे ना समझो के लिए है। क्योंकि मेरे ख्याल से तो तुम काफी अच्छे लग रहे थे। भले ही तुम्हारी द्वारका में मैं घुस नहीं सकती काना, पर फिर भी तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते। ये बताओ द्वारका का पतझड़ कैसा लगा? बहुत बहुत सुंदर। इतना मजा तो पिछली छुट्टियों में भी नहीं आया। काना के साथ एक महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे भी तुम सब के साथ बहुत मजा आया, और अफसोस यही है कि आज ही तुम सब ढोलकपुर वापस चले जाओगे। मैं तुम सबको कुछ तोहफे देना चाहता हूँ। तोहफे हमारे लिए भी? हाँ, और सबसे पहले कालिया। तुम्हारे लिए ये नन्हा झोला। झोला? हाँ, इसमें एक ऐसा चूरन है जो अगर किसी पर भी फूको तो उसके मन में चल रही बात सुनाई पड़ती है। अब तुम दोनों के लिए ये अनोखा बक्सा। इसमें भी चूरन है? नहीं नहीं, इस बक्से को हाथ में लेकर तुम जो खाने की चीज मांगोगे वो बक्से के अंदर पाओगे। खाने की चीज? अरे वाह, ढोलू भोलू की तो निकल पड़ी। कुछ मांग कर देखो तो बोलो। लड्डू। अपने तोहफे को इस्तेमाल करके नहीं देखोगे? नहीं करना, तुम्हें क्या? अरे कालिया तुम जरा भी उत्सुक नहीं? मैं तो हूँ। वापस कर वो। शेर तो दूसरा सवा शेर, ना समझ कहीं के। शुक्र मानो, इंटर के साथ ये शेर और सवा शेर अभी तक टिके हैं। क्विंटल किसने कहा? किसने? मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोल ढोलो, ज्यादा जुबान चलाई तो पछताएगा। पछता तो वैसे भी रहे हैं आपके चेले बनकर। अच्छा, उस्ताद ने दांत कसे तो समझो अपने दांत गए। अरे ये कैसे? ढोलू ढोलू के बिना बात किए ही उनकी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है ये उनकी मन की बातें हैं जो हम सुन पा रहे हैं।
समझे भीम। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों के दिमाग में हमेशा ऐसी बातें चलती रहती है। फिलहाल तो हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही है। क्या? कि आप इसको पकड़ो, हम रास्ता पकड़ते हैं। पुराना चौराहा है। भीम, देखो कोई आ रहा है। इस घने जंगल में ये कौन हो सकते हैं? मनु और कीचक। बच्चों, लगता है तुम लोग जंगल सफारी पे निकले हो। हाँ, पर तुम दोनों यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? ये ढोलकपुर के लिए नजदीक रास्ता है। को छोड़ दो और वापस चले जाओ। हमला कर रहे हो? मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा नाम मिंग है और मैं शाओलिन मंदिर कुंग फू के सबसे महान विद्यालय से हूँ। मोंग मिंग, आप इतनी दूर ढोलकपुर तक क्यों आए हो? मेरा चाइना से आना एक लंबी कहानी है, पहले मुझे अपने राजा के पास ले चलो।